जहां विक्की कौशल और कैटरीना की शादी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, वहीं रणवीर और आलिया ने बेहद ही गुपचुप तरीके से इस शादी को अंजाम दिया। पेपराजी एक एक फोटो को लेने के लिए तरस गए, लेकिन आलिया भट्ट न ही रणवीर कपूर पेपराजी के सामने आए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद रणवीर कपूर खुशी के मारे आलिया भट्ट को गोद में उठाकर नाचने लगे। दरअसल शादी से जुड़े हुए सारे फैसले रणवीर कपूर ने लिए हैं। रणवीर कपूर नहीं चाहते कि अपनी शादी को बिग फैट इंडियन वेडिंग यानी धूम तरीके से करें, इसलिए शादी उनकी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखकर की गई थी। हालांकि भट्ट फैमिली चाहती थी कि शादी धूमधाम से हो, ऐसा इसलिए क्योंकि भट्ट परिवार में अब तक जितनी भी शादी हुई है वे बेहद ही साधारण तरीके से हुई है। यही वजह है कि भट्ट परिवार आलिया की शादी को यादगार बनाना चाहता। आज के दिन दोनों ही कपल अपने अपने पोशाक में बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहे थे। आखिरकार आलिया भट्ट ने अपने पुराने कश यानी रणवीर कपूर से शादी रचा ही ली। बहरहाल पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसी और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब।